सो गाइस अभी हम बहुत ही ऊंचाई पे बैठे हैं और अभी यश के छत पे थे, पतंग उड़ा रहे थे, ये पतंग सेट कर रहा है उड़ाने के लिए। और कल से मैं कल डोरी लेने के लिए जाने वाला हूँ, पतंग लेने के जा रहे हैं, ऊंचा जाने वाले हैं। वहाँ पे जैसे कॉलेज का प्रैक्टिकल खत्म होगा सीधा वहाँ पे जाएंगे, तो कल बहुत ही मजा आने वाला ब्लॉग में। ओ भाई बच गए, अभी नीचे गिरता है ये, ढंग से चढ़ ऊपर। इंडियन प्लेयर, क्रिकेट टीम प्लेयर पतंग उड़ा रहे हैं भाई साहब। क्रिकेट पहले पतंग फिर क्रिकेट यार, अब तो पतंग दो दिन बाकी है उत्तरायण के, पहले पतंग होगा फिर क्रिकेट होगा। गाइस गुड मॉर्निंग, हम सब उठ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ ही गया था। और अभी कुछ देर में निकलते हैं उंझा के लिए, फिर वहाँ जाके पतंग भी उड़ाएंगे, दोरी भी खरीदेंगे, दोरी के भाव कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली अब चलते हैं जल्दी से, फटाफट लेट हो गए, निकलते अभी। ये भाई सर तो जल्दी, अभी रेडी भी नहीं हो, तू नाना भी बाकी दे रहा है, रुकना नहीं है अभी, मुझे लेट हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, चलेगा हम वहाँ पे ही है, हम वहाँ पे आ जाना। तू अकेले जा, ऐसा नहीं होगा। अरे फिर मेरे कंपनी कौन देगा, मुझे कंपनी कौन देगा, तू अकेले आ जाना बस में, फिर हम वहाँ पे मिलेंगे, हम वहाँ पे मिलेंगे। तू अकेला काफी है, जिसी ब्लॉगर तेरा ब्लॉग आने वाला है, तू ब्लॉग अपलोड कर। सुन भाई, यहाँ से सीधे चलते हैं जिम खाना मैदान पे, वहाँ जाके दूरी खरीदते हैं और पतंग भी खरीदेंगे, चलते हैं फटाफट। और एक्चुअली वो मैदान हमारे कॉलेज के सीधे पीछे ही है, मतलब अभी वहाँ पे जाएंगे, फिर जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होगी तो सीधे मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देके फिर वापस आ जाऊँगा वहाँ पे। भाव तो पूछ लेते हैं दूरी कितने की मिलती है, फिर वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे वो सामने आपको दुकान दिख रही है, यहाँ पे पूछते हैं भाव, यहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी आई थिंक रील। चलो भाई चलो, ये कुछ खास काफी है, 24 कैरेट गोल्ड, ये गेंडा औलाद जैसा दम, रंगीला ये पहले मैं लेके गया था एक बार, ये तो रील तो गाइस वहां से तो रील नहीं लिया क्योंकि वो भाव यार ज्यादा बोल रहा था, कम भी नहीं कर रहा था, तो हमने क्या जाने दो, नहीं लेना, अभी दूसरी दुकान पे देखते हैं, ठंड बहुत हो रही है। फिलहाल चलते हैं जिम खाना मैदान में, वहाँ जाके खरीदते हैं रील, बाहर तो नहीं मिल रहा अच्छा। पहुँच गए हैं यहाँ का माहौल, अभी तो कोई ज़्यादा पब्लिक आई नहीं है, सुबह सुबह मज़ा आएगा, देखो चालू है सब कुछ। फ्रेंड के जान पहचान की दुकान है तो सीधे वहाँ पे चलते हैं पहले, और दूसरी पे नहीं जाते यार, नहीं तो भाव में बहुत ही सब बहुत खींचते हैं, नहीं बहुत कसती है। सो गाइस यहाँ पे ये जय गोगा के, इनके पास से, क्या नाम है आपका, पटनी सुरेश भाई के यहाँ से हमने ये रील लिया है, 156 का, काफ़ी सस्ते में मिल चुका है, आप भी अगर यहाँ पे आके लेना चाहो तो लेना चाहिए। दुकान का नाम बता दीजिए आप, जय गोगा यहाँ से, जय गोगा स्टोर यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप उंझा भी आओगे लेने तो। ये इनका स्टोर है और ये दूरी भी खुद ही रंग करवाते हैं, तो चलते हैं अभी। सौकड़ 24 कैरेट गोल्ड, इसका एक और रील ले लिया है, ये 2500 बार का है, और ये जय गोगा इनकी दुकान का नाम है, तो आप यहाँ पे कभी भी आके ले सकते हैं, सस्ते में आपको दे देंगे, भाव कर देंगे, मेरा नाम ले लेना आप। फिलहाल तो ये यहाँ पे कलर देना शुरू हो चुका है हमारे रील, ये कर रहे हैं 18 साल से। पहले कहाँ पे थे, अहमदाबाद। ये पहले अहमदाबाद, इस बार पहली बार आए, नहीं यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आए, कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का, अच्छा है, पर अभी गड़ा की ठोस गेम है, अभी लोग अभी आना शुरू हो गए, आज तो बहुत आएंगे ज्यादा, लास्ट दिन आएंगे सब। डोरी को चरखे में चढ़ा दी, अभी वो सूख रही है, अभी थोड़ी गर्मी में सूखेगी। यश यहाँ पे ही है, मैं तो एग्जाम देने जाऊँगा, फिर वो फिरकी में भरा लेगा, तो फिर अभी बैठे, अभी तो उनकी रिक्शा में बैठे, उनकी खुद की रिक्शा थी, तो यहाँ पे आके बैठे हैं, इसको कुछ लिखना बाकी है अभी, ये पूरा कर रहा है, कुछ बाकी नहीं है, ले आ, कितना बाकी है, बाकी नहीं तुम्हारा, बाकी नहीं है, ये क्या लेके बैठा है, फिर पागलपन, इसका बाकी रहता है, कुछ ना कुछ बाकी रहता है। ये स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, अभी उड़ेंगे फिर मजा आएगा, अभी हम भी उड़ा देंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में मुझे तो एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। ये सर ये तो उड़ाएंगे पतंग, हम एग्जाम दे के आएंगे, ये तो भाई साहब देखो स्माइल देख रहे हो बंदे की, लेकिन कोई बात नहीं, चलो एग्जाम है खत्म कर देंगे, फिर आके उड़ाएंगे पतंग, उड़ाने वाले आके। तो कॉलेज तो पहुंच गए फिलहाल, अभी फाइनली एग्जाम ओवर हो चुकी है हमारी, और ये भाई साहब पतंग लेके आ चुके हैं, मेरा तो अभी बाकी है, तो रात को आएंगे, रात को आना है ना,
देखते हैं, बाइक लेके आते हैं, बाइक लेके रात को आएंगे। और ये हंसे जा रहा है, इसकी जनरल भी सबमिट करने में आ गया था। कर चुकी है यार, इसमें तो जगह भी नहीं है बैठने को। बस का तो अभी पता नहीं, रिक्शा में जाना पड़ेगा। रिक्शा कैंसिल, बस आने वाले तो सीधे बस में ही चलते हैं। ये पतंग लेके घूम रहा है यार इसे, भाई साहब शर्म नहीं आ रही क्या? इसको बहुत बुरी सर, ये सिर्फ कैमरे पे बोल रहा है, बाकी इसको इतनी शर्म आ रही है पतंग लेके घूमने में। शर्म आ रही है। तो गाइस पतंग दूरी लेके घर पे आ गए। मैं भी ट्राई कर रहा था उड़ा के, लेकिन हवा चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी, तो पूरी वाट लग गया यार। कल ऐसा ना हो तो, कल अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अभी घर पे तो बहुत बोर हो रहे हैं, ध्रुव के घर चलते हैं, कुछ होगा वहाँ पे, टाइम पास करेंगे। बैठते हैं, अभी उंझा जाना है वापस पतंग लेने के लिए, क्योंकि पतंग लिए भी ना हम वापस आए थे। चलते चलो भाई। अभी यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठा, ये अपनी गाड़ी है, इसकी गाड़ी है भाई साहब, गाड़ी ले आए कब पता भी नहीं चला। इसके पापा की गाड़ी है वैसे, और यहाँ पे अभी बैठे आराम से। ये इसके पापा की गाड़ी मेरी तेरी हुई भाई, तेरी गाड़ी है, इसकी गाड़ी है गाइस। ना और... पहले मेरे पापा की फिर मेरी। तो मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पापा की गाड़ी है। चलो कोई अभी यस यस गया वो पतंग लेने, अगर उसका कॉल आता है तो हम उंझा जाएंगे पतंग लेने के लिए, लेकिन जाना तो पड़ेगा उंझा, है ना, चलेंगे। सो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर जाके पतंग उड़ाते हैं, लेट्स गो। चलते हैं। स्नैप, इसने स्नैपचैट शुरू किया है, लगा हुआ है भाई साहब स्नैप लेने में। तो छत पे जाके अब उड़ाते हैं पतंग, और यहाँ पे गाने बज रहे हैं। कौन बजा रहा है भाई गाने? कौन बजा रहा है? वाह, पतंग उड़ा, गाने क्या बजा रहे? कल बजा लेना। तो कुछ ऐसा माहौल है पतंग का, कुछ खास अभी उड़ नहीं रहे हैं, कल देखते हैं, कल उड़ेंगे, कल व्लॉग बनाएंगे बहुत अच्छा सारा। बाल्टी फॉर्म में उड़ा रहे, कौन उड़ा रहे? विराल। अरे रे ठीक है ठीक है, उड़ाओ उड़ाओ, हम भी उड़ा रहे हैं। बाल्टी फॉर्म से भाई, बाल्टी फॉर्म से। सीन बहुत मस्त आ रहा है यार, पूरा नज़ारा है पीछे का मंदिर का। यहाँ पे वो पीछे वाराही माता का मंदिर है, और ये पूछे का पीछे का तालाब, और ये वीर महाराज का काम अभी चल रहा है। अभी निकलते हैं वापस उंझा पतंग लेने के लिए। अभी फाइनली उंझा पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी सीधे चलते हैं मैदान पे, वहाँ पे जहाँ पे डोरी ली थी, और पतंग लेते हैं, फिर चलते हैं घर। फाइनली हम जिमखाने मैदान पे पहुंच चुके हैं, और अभी चलते हैं सीधे जाके पतंग लेते हैं, और फिर घर निकलते हैं। फिलहाल बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, भीड़ बहुत हो रही है, शोर शराबा। अभी बहुत पतंग बिकने वाले हैं फटाफट, अभी इसमें मिल जाएंगे ना जल्दी सस्ते में, भाव टूटेंगे बहुत, तो उठा लेंगे अच्छे से अच्छे पतंग मिल जाए तो। वापिस ही जय गोगा स्टोर, जहाँ पे हम डोरी लेके गए थे, वहाँ उनके पास से ही हम लेके आए हैं, पतंग भी यहाँ से ही लेके जा रहे हैं। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोल सकते हैं, दुनिया नहीं मालिपा, एशिया खंड नहीं मालिपा, भारत देश नहीं मालिपा, गुजरात राज्य नहीं मालिपा, ऊंचा शहर में आवेला जय गोगा स्टोर, पतंग नहीं शू बात करूँ भाई 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 भाई। यहाँ पे इनके पास से हमने पतंग ले लिया है, यहाँ पे जय गोगा स्टोर में अच्छे पतंग है काफ़ी। तो यार दुकान वाले काफ़ी बोल रहे थे कि हमें भी वीडियो में ले लो, मैं कहा ठीक है ले लेते हैं वीडियो में, तो वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, उन्होंने पतंग में थोड़ा भाव सस्ता करके दे दिया। तो अभी चलते हैं घर सीधे, भूख भूख लग रही है, गोलगप्पे खाते हैं थोड़े। अंकल थोड़े बिजी चल रहे हैं, अंकल कितने के हैं? अंकल 10 के कितने आते हैं यार गोलगप्पे बता दो? 10 की 5, ठीक है जल्दी बनाइए, 20 की बना दीजिए 20 की भाई। पतंग और जो दूरी जितनी बिक रही है ना, जितनी स्पीड में जा रहे हैं लोग, इतने आ रहे हैं ना, सुबह तो कुछ नहीं था, अभी जितना माहौल, अभी रात को और भी होगा, रात को तो बहुत पतंग उठने वाले एक साथ हजार हजार। मोहित भाई चलो, लेट हो रहा है यार, चलो 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 जल्दी करो, बस मिले। माहौल बहुत मस्त हो रहा है रात का, यहाँ भी बहुत पब्लिक है। ये भी फाइनली पतंग लेके आ रहा है, ये एक्चुअली वडनगर से लेके आया था पतंग, मुझे ही लेने थे इसीलिए हम दोनों गए थे लेने। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं,
अभी तो इस बाइक को अंदर रखिए। और अभी पतंग भी आ चुके हैं, पतंग बहुत अच्छे निकले, रियली में बहुत अच्छे पतंग आए हैं। क्या है यहाँ पे, अच्छा अंदर भी एक ब्लॉग बना रहे भाई, कौन बना रहे हैं ब्लॉग, और ये क्या किया है तुमने फालतू में। चलो इसको लॉक लगा दे, चल इसको लॉक लगा के ऊपर मैं जा रहा हूँ, इसको खाट के नीचे रख दिया अभी, फिर बाद में सेट करते हैं सब कुछ। गाइस अभी रात को बैठे हुए हैं पतंग को लेके, पतंग को कान बांध रहे हैं, मतलब लगाम बांध रहे हैं, पतंग को लगाम लगा रहे हैं हम, ऐसा बोले यार, ये कुछ नया है, कोई नहीं बोलता होगा ऐसा, पतंग को लगाम लगा रहे हैं क्या, वाह। लेकिन अभी पतंग को, कुछ पतंग को कर देते हैं और कुछ हमने रख दिए अंदर, कल सुबह भी कुछ सुबह का अंदर मिलते हैं कल सुबह। ये इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।